से पहले सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किया प्रदान। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं ये पुरस्कार। कल भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अकारण आक्रामकता के बाद उपजे हालात पर आज शाम दिल्ली में सेना के तीनों अंगों की संयुक्त संवाददाता वार्ता। आतंकी जैश ए मोहम्मद पर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पुलवामा आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करने पर पेश किया प्रस्ताव। मसूद के संसाधनों, वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध और संपत्ति को जब्त करना है प्रस्ताव का मकसद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश की प्रगति को रोकने की दुश्मन की किसी भी कोशिश का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। पीएम ने कहा, भारत एक साथ रहेगा, एक साथ काम करेगा, एक साथ बढ़ेगा, एक साथ लड़ेगा और एक साथ ही जीतेगा। पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा है और उनकी क्षमताओं में देश को है पूरा विश्वास। बालाकोट में आतंकी शिविरों पर की गई असैन्य कार्रवाई पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, किसी को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे सुरक्षा बलों का हौसला हो कमजोर। और आदिवासियों और वनवासियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 13 फरवरी के बेदखली के आदेश पर फिलहाल लगाई रोक। शीर्ष न्यायालय ने राज्यों को आदिवासियों और वनवासियों के दावों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया